सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और जैसे कि आपको पता है, इस चैनल के ऊपर बायो का कंटेंट आपको ए प्लस मिलता है और मिलता रहेगा। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, जिससे क्या होता है कि आप हमको इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हो, ऐसा हमें लगता है। तो इसलिए मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मैक्सिमम दोस्तों के साथ। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि दिस इज़ लास्ट चांस टू मेक योर बोर्ड परसेंटेज और टू इंक्रीज योर बोर्ड परसेंटेज। सो किसी स्टूडेंट का बोर्ड के अंदर अच्छा मार्क्स नहीं आया होगा, अच्छा परसेंटेज नहीं आया होगा, किसी को 40 मिला होगा, किसी को 50, किसी को 60, किसी को 75 मिला होगा, तो वो चाहते होंगे कि यार इसको आगे बढ़ा सकते थे, हमारा बोर्ड के अंदर अच्छा स्कोर नहीं आया है, आगे क्या करेंगे। सो जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है, दिस इज लास्ट चांस टू इंक्रीज योर बोर्ड परसेंटेज। यू कैन इंक्रीज योर बोर्ड परसेंटेज बाई स्टडिंग हार्ड। कैसे आप आपके बोर्ड परसेंटेज को बढ़ा सकते हो, इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सिर्फ वीडियो को लास्ट तक देखना और मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ शेयर करना। तो मुझे आप बताइए कि जो आपको बोर्ड में परसेंटेज मिला है, क्या उसका कोई काम है? मतलब कि वो बोर्ड के परसेंटेज को कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि उसके बाद बोर्ड एग्जाम के बाद आपकी MHT, CET, आपकी नीट और JEE एग्जाम होती है, जिसके मार्क्सशीट्स आपसे पूछे जाते हैं जब आप एडमिशन करते हो तब। क्योंकि ये बोर्ड्स को वैल्यू नहीं है। लेकिन अभी जो है न्यू, एक बोल सकते हैं कि जो महाराष्ट्र बोर्ड है, उन्होंने लॉन्च किया है कि 2023 से जो बोर्ड के 12th के परसेंटेज है वो भी CET के अंदर ऐड होंगे। तो वो एक न्यू क्राइटेरिया है, वो है 2023 के बच्चों के लिए, आपके लिए नहीं है। मतलब 2022 में आपके बोर्ड परसेंटेज कितने भी हो, लेकिन अगर आपने MHT, CET और नीट के अंदर अगर अच्छा स्कोर कर लिया तो उस पर कोई ध्यान नहीं देगा। आपका जो एडमिशन होगा वो होगा MHT, CET और नीट के बेसिस पे। मतलब अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए, दिस इज़ लास्ट चांस, एक लास्ट चांस बचा है और एक महीना आपके लिए बचा है पढ़ाई करने के लिए। आप पढ़ाई करके आपका बोर्ड का परसेंटेज बढ़ा सकते हो, अच्छे कॉलेज इंस्टीट्यूट में जा सकते हो। तो अच्छे कॉलेज और इंस्टीट्यूट में जाने का फ़ायदा यह है कि वहाँ पर जाके आपको वैसा एनवायरमेंट मिलेगा, वैसे शिक्षक मिलेंगे, आपको एक वैल्यू मिलेगा, आपका वैल्यू बढ़ जाएगा जब आप अच्छे कॉलेज में जाओगे तब। तो इसीलिए अच्छे कॉलेज में जाने के लिए आपको सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप वो उसके अंदर सिलेक्ट होंगे। मतलब कि आप अपने बोर्ड के परसेंटेज को बढ़ा सकते हो बाय स्टडिंग हार्ड इन MHT, CET 2022 एज वेल एज इन नीट 2022 एग्जामिनेशन। तो आप उसमें पढ़ सकते हो और आपका स्कोर बढ़ा सकते हो। तो हम जो है वो MHT, CET 2022 के लाइव सेशन सीरीज जो हमने लॉन्च किया है, हर शाम 8 से 9 बजे हम जो है वो चैप्टर 1st से लेकर चैप्टर 15 जो बायोलॉजी के है, वो पूरे मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड चार्ट्स, सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और चैनल को शेयर करना है। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं ये सीरीज़ के साथ। हम ये पूरा आपका जो बायोलॉजी का कंटेंट है MHT, CET का, वो कंप्लीट करेंगे। सिर्फ आपका थोड़ा साथ चाहिए। इसी के साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।